सो है हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज विजिट करेंगे अलीपुर जू और देखेंगे क्या क्या एनिमल है और सारे एनिमल दिखाने का कोशिश करूँगा। और वीडियो में 2023 का सारे डिटेल्स देने वाला हूँ, टिकट का प्राइस कितना है, कब खुला रहता है, कितने बजे तक खुला रहता है, ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस वीडियो में। सो गाइज, हम लोग पहले ही आ गए टिकट काउंटर पर। तो टिकट का प्राइस रहता है 50 रुपये, और 5 साल के बच्चों के लिए 20 रुपीज़, 20 रुपये लगेगा 5 साल के बच्चों के लिए। तो जैसे ही टिकट मिल जाएगा तो सामने ही सिक्योरिटी भैया है जो कि टिकट चेक करेगा आपका। सो हम लोग 2 टिकट परचेस कर लिए थे और सामने आते ही दिखा बहुत सारा क्राउड। सो फ्रेंड्स, अलीपुर जू हफ्ते में एक दिन थर्सडे को बंद रहती है और इसका टाइमिंग रहता है 9:00 AM से 5:00 PM तक, और इसका टिकट काउंटर खुला रहेगा 4:30 PM तक। तो सामने एंट्री पे मिल जाएगा आई लव अलीपुर जू देखने को मिल जाएगा, और गाइस सामने आते ही मिल जाएगा आपको पूरा जू का एनिमल का मैप मिल जाएगा, कहाँ पे कौन सा एनिमल है सभी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, हम लोग पहले ही देख लेंगे बंगाल टाइगर। तो देखिए बहुत सारा क्राउड है टाइगर देखने के लिए। सो गाइस, सामने ही देखने को मिल गया बंगाल टाइगर। तो ये बंगाल टाइगर नॉर्थ साउथ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के बहुत से जंगलों पे पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, टाइगर देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए सिंपंजी देखने के लिए। तो देखिए बहुत सारा क्राउड है, इधर भी बहुत सारा क्राउड है। तो चलिए सामने जाते हैं और दिखाते हैं सिंपंजी। और गाइस, सामने ही देखने के मिल गया था सिंपंजी। देखिए मूड ऑफ करके बैठा है, देखिए चुपचाप से बैठा है इधर। सो गाइज, हम लोग सिंपंजी देखने के बाद सीधा आ गए थे जैगुआर देखने। तो देखिए ये जैगुआर आया है साउथ अफ्रीका से और बहुत ही खूंखार है, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैगुआर देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे व्हाइट टाइगर देखने के लिए, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो देखिए बहुत ही बिग साइज का है। सो फ्रेंड्स, व्हाइट टाइगर देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे रॉयल बंगाल टाइगर देखने के लिए, जो कि आता है सुंदरबन से। तो देखिए इधर लिखा है आई एम फ्रॉम सुंदरबन। तो चलिए ये है रॉयल बंगाल टाइगर, देखिए। सो गाइस, रॉयल बंगाल देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे लेपर्ड देखने, जिसको बंगाली में चीता बाघ कहते हैं। तो देखिए ये है बड़ा केज, देखिए। तो चलिए देखते हैं लेपर्ड। सो फ्रेंड, जैसे ही अंदर देखा तो दिखा कि लेपर्ड सोया हुआ है अभी ऊपर, देखिए अभी रेस्ट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये बहुत ही बिग साइज़ का है,
एंड थोड़ा बहुत कैमरा में कैप्चर हो पा रहा है ये। सो फ्रेंड्स, हम लोग टाइगर देखने के बाद सीधा आ गए थे स्पॉटेड डियर देखने, जिसको बंगाली में चीतल हरिन बोलते हैं। देखिए बहुत सारा इधर है, बहुत सारा है। सो गाइस, ये वाला डियर है मणिपुरी डियर, ये सब मणिपुरी डियर है ये। सो फ्रेंड्स, अलीपुर जू में डियर का नस्ल का कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा ब्रीड का आपको डियर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा दूर बैठा है ये डियर, तो इसलिए कैमरा में थोड़ा बहुत कैप्चर हो पा रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जू के अंदर बहुत सारा दुकान मिलेगा आपको, ब्रेकफास्ट या लंच के लिए मिलेगा, और यहाँ पे चाय से लेकर बर्गर से लेकर सैंडविच से लेकर सब कुछ मिलता है। मैं थोड़ा सा ज्यादा सॉस डाल रहा सैंडविच को पकड़े भेजा जाए 50 मैंने तो सारे भेजा जाए 50 ये मिलेगा 50 रुपए में ले ले ना पैसा पैसा धर धर पकड़ पकड़ पैसा देने दे यार थोड़ी ना प्रीमियम दे। सो गाइस, खाने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे मैप पे, तो देखिए हम लोग अभी इधर और हमारे नज़दीकी मगरमच्छ है कोकोडाइल, तो चलिए वही देखने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब दिखाएंगे कोकोडाइल। ये है मीठा पानी का मगरमच्छ, देखिए मार्स कोकोडाइल मगर लिखा है इधर, तो चलिए देख सकते हो कि बहुत सारा क्राउड है इधर भी। तो देखिए इधर बहुत सारा कोकोडाइल है देखिए, और ये सब मीठा पानी का है देखिए, बहुत सारा है लेटा हुआ है और बहुत ही मोटा मोटा और बहुत ही बड़ा है ये। एंड गाइज, इधर लिखा है डू नॉट थ्रो स्टोन एट कोकोडाइल्स, मगरमच्छ के तरह पत्थर फेंकना मना है। तो देखिए गाइज, ये है फिश खाने वाला कोकोडाइल, ये मच्छी खाता है सिर्फ, देखिए। और गाइस, इसका पास में ही आपको देखने मिलेगा, ये है नमकीन पानी का मगरमच्छ देखिए, और ये है वो नमकीन पानी का मगरमच्छ देखिए, बहुत ही बड़ा साइज है और बहुत ही मोटा है। सो कोकोडाइल देखने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग आ गए रेप्टाइल हाउस के तरफ, जहाँ पे बहुत सी नस्ल का आपको सांप देखने को मिलेगा, बहुत सी नस्ल का यहाँ पे सांप रहता है। तो चलिए अंदर जाते हैं
तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो फ्रेंड्स अंदर आते ही आप सबको देखने को मिलेगा मोनोसलेट कोबरा, जिसको बंगाली में केवटे भी बोलता है। तो देखिए, तो शायद उस टॉप के अंदर है तो इसलिए कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा। तो देखिए, सो गाइस कोबरा के बाद हम लोग सीधा आ गए थे पाइथन देखने, और इधर दो पाइथन देखने को मिला जो कि बहुत ही बिग साइज का था। सो गाइस पाइथन के बाद सीधा आ गए थे रसल वाइपर देखने के लिए। ये बहुत ही जहरीला होता है, देखिए उस लकड़ी के ऊपर है। देखिए शायद ठीक से कैमरा में कैप्चर नहीं हो पड़ा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। उधर ऊपर है रसल वाइपर, जिसको बंगाली में चौंदो बोरा कहता है। सो फ्रेंड्स वाइपर के बाद दिखाएंगे पाइथन, बट ये है बर्मीज पाइथन, देखिए। देखिए इधर पानी में है और बहुत सारा है, देखिए। सो फ्रेंड्स सांप वगैरह देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे कैसुअरी देखने, जो कि विलुप्त एक प्राणी है। तो चलिए कैसुअरी देखते हैं। सो गाइस कैसुअरी के पास में ही आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रिच। और फ्रेंड्स ऑस्ट्रिच के पास में ही मिलेगा आपको देखने को ईमू, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये उड़ नहीं सकते ऑस्ट्रिच की तरह। सो फ्रेंड्स ईमो देखने के बाद सीधा बियर मिल गया, तो चलिए बियर देख के आते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली देखने को मिल गया बियर। तो देखिए यहाँ पे वॉलेंटियर वगैरह भी है सेफ्टी के लिए। तो ये देखिए, ये है स्लॉथ बियर, देखिए। और ये बियर इंडिया और श्रीलंका के जंगल में मिलता है।
और देखिए ये बियर रहता है इधर, यहाँ पे रहता है ताकि इसको ठंड वगैरह ना लगे, तो इसलिए यहाँ पे रहता है ये बियर। तो गाइस बियर देखने को मिल गया, तो चलिए पास से दिखाते हैं। तो देखिए बहुत सारा इधर भी बहुत सारा क्राउड है देखने के लिए, तो चलिए पास में जाके दिखाते हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि ये बियर अभी आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है ये बियर, देखिए सोया हुआ है अभी। सो गाइस भालू देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे जेब्रा देखने। तो देखिए ब्लैक एंड वाइट जेब्रा देखिए, और ये जेब्रा पाया जाता है अफ्रीका एंड साउथ ऑफ सहारा में। और इस बोट का नीचे देखने के मिलेगा एक मैप पॉइंटिंग जिसमें अफ्रीका को मार्क किया हुआ है, देखिए ये आया है अफ्रीका से। सो गाइस जेब्रा के बाद दिखाएंगे राइनो, और ये है इंडियन वन हॉर्न वाला राइनो, एक सिंग वाला राइनो है। सो गाइस अब देखेंगे अमेरिकन वर्ल्ड ईगल, और ये बहुत ही बिग साइज का था, देखिए बहुत ही बिग साइज का था ये। सो गाइस ईगल के बाद है हमारा इंडिया का नेशनल बर्ड पीकॉक, और ये देखिए व्हाइट पीकॉक जो कि बहुत ही रेयर होता है। तो देखिए देखने में उतना ही खूबसूरत है, देखिए कैसे देख रहा है देखिए, और बहुत ही बिग साइज का था सब। तो गाइस पीकॉक के बाद हम लोग आ गए थे आप सबको दिखाने के लिए इंडियन एलिफेंट। तो देखिए ये बहुत ही पावरफुल होता है, देखिए दो है इधर देखिए, और बहुत ही मोटा और बहुत ही बिग साइज का था ये है इंडियन एलिफेंट। सो गाइस एलिफेंट के बाद देखेंगे जिराफ का फैमिली, देखिए बहुत ही बिग साइज का सब जिराफ है देखिए, और पूरा फैमिली है इधर। सो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।